हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथर क्लास इस यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 7 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 3 देखने वाले हैं। चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 वो सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखो, यहाँ पे एक न्यू सिला बुक में से ये 3.1 है, 2023-2024। क्वेश्चन फर्स्ट हम रीड करते हैं। फाइंड द रेंज ऑफ द हाईएस्ट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। तो हमें यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है हमारे स्कूल में से कौन से भी 10 स्टूडेंट से। तो इस क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो लेट बी द स्टूडेंट्स हाइट हम राइट करते हैं पहले। तो 101, 122, 129, 133, 144, 128, 201, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 200 and 202। तो इसमें सबसे बिग कौन सा है? नंबर 211। और सबसे कम कौन सा है इसमें से चेक करो तो 120 है। तो रेंज कैसे निकालते हैं? जो हाईएस्ट होता है उसमें से जो लोवेस्ट है उसको हम माइनस करने के बाद हमें रेंज मिलती है। माइनस लोवेस्ट, देखो हाईएस्ट क्या है। हमने जो 10 स्टूडेंट की हाइट लिखी है तो उसमें से 211 ये क्या है? सबसे हाईएस्ट है। तो हम 211 लिखेंगे। माइनस इसमें से सबसे कौन सा नंबर है? 124, ये सबसे कम नंबर है। तो ये दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा। तो देखो 211 माइनस 124, तो देखो 11 माइनस 4 7, 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 1 0। तो हमारा आंसर आ गया, रेंज कितनी आ गई? 87। तो आप अपने मन से मतलब इसका आंसर निकाल सकते हो, यही आपका आंसर आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन द क्लास असेसमेंट इन द टेबलर फॉर्म। तो इसको हमें टेबल बनाना पड़ेगा और इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। टेबलर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए बोला है। तो फर्स्ट देखना है इसमें से बिग नंबर कितना है और स्मॉल नंबर। तो ये 1 to 9 नंबर तक की नंबर है, तो इसमें हम टैली मार्क करेंगे। तो देखो फर्स्ट 4 है, तो 4 के कॉलम में हम 1 लाइन मार्क करेंगे। फिर 6, 7, 7, 5, 5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 2, 2, 6, 6, 2, 2, 5, 5, 1, 1, 9, 9, 6, 6, 5। देखो 1, 2, 3, 4 हो गए, तो ये 5 को हम ऐसे क्रॉस करेंगे, क्रॉस लाइन मारेंगे। फिर देखो 8, 8, 4, 4, 6, 6 एंड लास्ट जो बचा है वो क्या है? 7, 7। तो इसको हम काउंट करके लिखेंगे।
वन, फ्रीक्वेंसी कितनी आई, वन टू थ्री की वन, फोर की थ्री, फाइव की फाइव, सिक्स की फोर, सेवन की टू, एट की वन एंड नाइन की वन। हमने अभी एक टेबल पर निकाला, हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन फिनिश हो गया है। ए टेबल निकालना था, मार्क, टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। तो 1 to 9 तक नंबर लिखने हैं, उसको टैली मार्क करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी टोटल काउंट करके लिखना है। फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसको, उसके आंसर हमें लिखना है। विच नंबर इज़ द हाइएस्ट, तो कौन सा नंबर इसमें से हाइएस्ट है, तो 9। तो आप आंसर लिख सकते हैं 9। विच नंबर इज़ द लोवेस्ट, लोवेस्ट नंबर कौन सा है, तो 1। तो आप आंसर लिख सकते हैं 1। क्वेश्चन 3, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज कैसे निकालते हम, तो देखो इसका आंसर आएगा 9, इसका आएगा 1। फिर हम क्वेश्चन 3 का आंसर देखते हैं। तो व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाईएस्ट नंबर से लोवेस्ट नंबर माइनस करना पड़ता है। तो हाईएस्ट नंबर क्या है इस क्वेश्चन में, 9 है, और लोवेस्ट क्या है, 1 है। तो रेंज क्या आ गई, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये टोटल जो नंबर दिए उनका एडिशन, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, एंड उसको डिवाइडेड क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब कितने नंबर है वो काउंट करके उससे हमें डिवाइड करना है। तो पहले इस टोटल नंबर को ऐड कर दीजिए, तो उसका एडिशन 100 आएगा। फिर ए नंबर को काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये टोटल नंबर हो गए, और ये टोटल नंबर की एडिशन कितनी होती है, 100। आप करके देखो, तो फाइंड द अर्थमेटिक मीन, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन। तो मीन इज इक्वल टू, मीन कैसे निकालते, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना आया, टोटल नंबर जो दिए हैं उनको हमने ऐड किया, तो उसका सम कितना आ गया, 100, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 20 है। तो इसको हम कट कर देंगे, 2 1 2, 2 5 10। तो मीन कितना आ गया इस क्वेश्चन का, अर्थमेटिक मीन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ 5 फर्स्ट होल नंबर। तो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। तो होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 0 से। तो हमें फर्स्ट 5 नंबर का मीन निकालना है, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब टोटल 5 नंबर हो गए। यहाँ पे बोला है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। तो मीन सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितने नंबर, ये देखो इसका एडिशन करेंगे, 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10 हो जाएंगे। टोटल नंबर कितने, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5, तो देखो इज इक्वल टू 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो मीन कितना आ गया, 5। तो फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर, तो फर्स्ट 5 होल नंबर का मीन कितना आ गया, 2। क्वेश्चन 4, अ क्रिकेटर स्कोर द फॉलोइंग रन्स इन द हाई 8 इनिंग्स, 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100। तो फाइंड द मीन स्कोर, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मीन स्कोर फाइंड करना है, तो मीन निकालना है यहाँ पे। तो मीन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो फर्स्ट क्या करना पड़ता है, जो दिए, जो नंबर दिए वो टोटल नंबर को एडिशन करना पड़ता है, और डिवाइडेड किसको करना पड़ता है, जो नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 टोटल हो गए, तो उसे हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये टोटल नंबर का एडिशन कितना आता है, 400, और टोटल नंबर काउंट किए तो कितने होते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है। तो हमें मीन इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, 400 अपॉन 8।
देखो 8 1 8 8 5 40 एज इट इज़ वैसे ही लिखेंगे तो 50। तो मीन कितना आ गया, फाइंड द मीन स्कोर। मीन स्कोर इज इक्वल टू 50। तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट टू फोर क्वेश्चन तक ही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वॉचिंग।